हेलो फ्रेंड, इस लेक्चर में हम कन्वर्जन ऑफ NFA टू DFA पढ़ेंगे। यहाँ पर टू लगा लेना, NFA टू DFA, मतलब हम NFA को DFA में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग ओवर 01 दैट स्टार्ट विथ 0। तो हमें एक स्ट्रिंग है जो स्टार्ट करनी है 0 से। तो हमें पता है कि हमारी जो लैंग्वेज बनेगी उसमें सबसे छोटा एलिमेंट तो हमें 0 ही मिल गया। अब उसने बोला है कि आपको स्टार्ट 0 से करनी है, मतलब स्टार्ट करने के बाद 0 के बाद चाहे तुम 1 लगाओ, चाहे 0 लगाओ, चाहे कुछ भी लगाओ, कोई मतलब नहीं है। या 0000 कितने टाइम भी लगा दो, पर स्टार्ट जो होगा वो 0 से होगा। तो वो क्या हुई, हमारी लैंग्वेज, ठीक है। और हमें इनपुट तो मिल ही गए हैं 201, ये हमारे इनपुट हैं। तो हमने क्या करा, जब NFA बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे हर स्टेट पे ट्रांजिशन हो, क्योंकि NFA में हमारे हर स्टेट पे ट्रांजिशन होना कोई ज़रूरी नहीं है। तो हमने क्या करा, सिंगल एक ट्रांजिशन दे दिया 0, हमने 0 को एक्सेप्ट करा के फाइनल पे पहुंचा दिया। फाइनल पे पहुंचाने के बाद हमारी जो फाइनल है उस पर क्या कर दिया, हमने 01 का लूप लगा दिया कि 0 के बाद कुछ भी आता रहे कोई मतलब नहीं है। तो 00 भी आ सकता है, 0110 कितनी टाइम भी आ सकता है, पर अपना जो मेन है वो 0 है। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम इस स्टेट पर 1 भी दें, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये NFA है। DFA होता है तो उसमें हमें हर स्टेट पे 2 इनपुट देने पड़ते हैं, बट NFA में ऐसा नहीं है। अब हम इसकी ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं कि ट्रांजिशन टेबल कैसे बनाते हैं। जैसे कि NFA है, हमने NFA लिख दिया, 2 इनपुट है हमारे पास 0 और 1, आउटपुट भी है Q0 Q1। अब हम क्या देखते हैं कि हमने Q0 से 0 देने पे कहाँ गए, Q1 पे, तो हमने लिख दिया Q1, ठीक है। अब 0 देने से हम तो हमने क्या किया कि Q0 से 0 देने पे हमें क्या मिल गया, Q1। अब Q0 पे हमारा 1 कहीं नहीं गया, तो हमने क्या दे दिया, 5, मतलब कि कुछ नहीं है, खा लिया। अब Q1 पे 0 देने पे हम कहाँ हैं, Q1 पे 0 देने पे हम कहाँ हैं, Q1 पर ही, तो हमने Q1 लिख दिया। और 1 देने पे भी कहाँ है, Q1 पर ही। तो ये हमारी ट्रांजिशन टेबल बन के रेडी हो गई कि NFA की ट्रांजिशन कैसे बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रांजिशन टेबल को हम DFA में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो कन्वर्जन है वो NFA टू DFA है। तो हम इसको DFA में कन्वर्ट करेंगे। ये देखो, अब DFA में कन्वर्ट कैसे करेंगे, जैसे कि हमारे DFA की टेबल है, इनपुट हमारे 2 ही रहेंगे, Q0 Q1। हमने सबसे पहली स्टेट ले ली Q0, तो देखिए Q0 ली तो हमें पता है Q0 से Q0 देने पे कहाँ जा रहे थे, Q1 पे, तो हमने यहाँ लिख दिया Q1। फिर हमने क्या करा, Q0 से 1 देने पे कहाँ गए, 5, मतलब कहीं नहीं गए। पर हमारा जो DFA होता है उस पर क्या है, हमें हर ट्रांजिशन देने होते हैं, तो हमने एक डेड स्टेट ले ली Q2। फिर हमने Q1 देखा, तो Q1 से 0 देने पे भी Q1 पे है और 1 देने पे भी Q1 पे है, तो हमने लिख दिया कि Q1 से 0 देने पे Q1 और 1 देने पे Q1। अब इसमें क्या होता है, टेबल में जितने भी आपके स्टेट आते हैं आपको सारे स्टेट पे इनपुट देना होता है। तो हमारी देखो 01 तो हो गई, पर हमारी एक इसमें न्यू स्टेट आ गई है Q2, तो हम क्या करेंगे, इसका भी ट्रांजिशन लिखेंगे। तो Q2 लिखा, अब Q2 तो क्या है, हमारी डेड स्टेट है, तो Q0 मतलब जो 0 वैल्यू आएगी वो Q2 पर ही आएगी और Q1 भी हमारी Q2 पर ही आएगी, क्योंकि ये हमारी डेड स्टेट है। तो डेड स्टेट पे क्या है, हम जो भी ट्रांजिशन देंगे उसी पर रहेगा, क्योंकि हमें हर स्टेट पे 2 इनपुट देना है। अब ये हमारी DFA की टेबल ड्रॉ हो गई। अब हम DFA का डायग्राम बनाएंगे कि हम DFA को कैसे बनाएंगे। तो देखो Q0 से हमने स्टार्ट किया, ये रहा 0 देने पे कहाँ गए, Q1 पे, तो 0 दिया और Q1 पे पहुँच गए। फिर 1 देने पे कहाँ गए, Q2 पे, तो हम Q2 पे आ गए। फिर 1 देने पे कहाँ गए, 0 पे, तो हमने ये 0 दे दिया। फिर Q1 से ही 1 देने पे कहाँ है, Q1 पर ही है, तो ये रहा। फिर Q2 से 0 देने पे कहाँ है, Q2 पर ही है। Q2 से 1 देने पे कहाँ है, Q2 पर ही है। तो ये हमारी होती है फाइनल स्टेट, ये होती है डेड स्टेट और ये वाली होती है इनिशियल स्टेट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा DFA का
ट्रांजिशन डायग्राम की आपकी स्टेट किस तरह से हम कवर करेंगे, जो भी हमने स्टेट लिखी है यहाँ पे उन्हें कैसे बनाएंगे और फिर जो उनके इनपुट हैं उन्हें कैसे देंगे। बस आप ये देखा करो जैसे क्यू ज़ीरो से जीरो देने पे कहाँ जा रहे हैं, क्यू वन पे। तो हमने एक लाइन खींच दी क्यू वन के लिए। क्यू ज़ीरो से वन देने पर कहाँ जा रहे हैं, क्यू टू के लिए। तो हमने वन ले कर क्यू टू पर एक लाइन खींच दी। ऐसे क्यू वन से जीरो देने पर कहाँ जा रहे हैं, क्यू वन पे। तो वहीं लूप लगाए। क्यू वन से वन देने पर कहाँ जा रहे हैं, वहीं जा रहे हैं, तो लूप लगाए। क्यू टू से जीरो देने पे कहाँ जा रहे हैं, वहीं लूप लगाए। क्यू टू से वन देने पे, तो इस तरह हम डी एफ ए और एन डी एफ ए, मतलब एन डी एफ एन एफ ए से डी एफ ए में कन्वर्जन करते हैं। पर कभी भी डी एफ ए टू एन एफ ए नहीं होता, सिर्फ एन एफ ए टू डी एफ ए होता है। अब हम इसका एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं, इससे आपको काफ़ी और अच्छे समझ में आए। देखिए इसमें क्या है, हमें एक स्ट्रिंग दी हुई है जिसे हम जीरो वन एंड करना है। जीरो वन से हम एंड करना है, मतलब जीरो वन से एंड हो, बाकी इधर कुछ भी आता रहे हमें कोई मतलब नहीं है। और जो एंडिंग है वो जीरो वन से होना चाहिए। तो हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज बनेगी वो तो क्या बनेगी, जीरो वन की। जीरो वन को हम एक्सेप्ट करेंगे। तो हमने सबसे पहले क्यू ज़ीरो से ज़ीरो लिया, क्यू वन पर पहुँचे, फिर वन लिया, तो फाइनल स्टेट क्यू टू पर पहुँचे। अब हमें एंड तो कर दिया, स्टार्ट में कुछ भी आता रहे, स्टार्टिंग से कोई मतलब नहीं। तो हमने क्या करा, यहाँ लूप लगा दिया कि जीरो वन फिर एंड विथ जीरो, मतलब जीरो और वन, बाकी आए कुछ भी रहे। अब ये एन एफ है तो इसे हमें हर स्टेट पर ट्रांजिशन नहीं देना है। अब हम इसकी बनाएंगे टेबल, एन एफ ए के ट्रांजिशन टेबल। तो हमने एन एफ ए लिया, जीरो वन दो इनपुट हैं, स्टेट कितनी है, क्यू ज़ीरो क्यू वन क्यू टू, क्यू ज़ीरो क्यू वन क्यू टू, तीन स्टेट लिए। अब हमने देखा कि क्यू ज़ीरो से ज़ीरो देने पर कहाँ जा रहे हैं, क्यू वन पे और क्यू टू पे, दो जगह जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भी जीरो यहाँ पे भी वन है। तो हमने दो लिख दिया। अब वन देने पे कहाँ जा रहे हैं, ओनली क्यू ज़ीरो पर ही, तो हमने क्यू ज़ीरो लिख दिया। अब हमने देखा कि क्यू वन से ज़ीरो देने पे कहाँ जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, तो हमने फाइव लिख दिया। और वन देने पे कहाँ जा रहे हैं, क्यू टू पे, तो हमने क्यू टू लिख दिया। अब क्यू टू का देखो, क्यू टू से ज़ीरो देने पे कहीं भी नहीं और क्यू वन देने पे भी कहीं भी नहीं। तो ये हो गए इसके ट्रांजिशन टेबल। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रांजिशन टेबल को कन्वर्ट करेंगे डी एफ ए में। तो देखिए हम डी एफ ए में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमने डी एफ ए लिया, इनपुट ले लिए दो और क्यू ज़ीरो से स्टार्ट करें, क्यू ज़ीरो से स्टार्ट करी, तो क्यू ज़ीरो से ज़ीरो देने पे कहाँ है, क्यू ज़ीरो क्यू वन, तो हमने यहाँ लिख दिया क्यू ज़ीरो क्यू वन। और वन देने पे कहाँ है, क्यू ज़ीरो पर ही, तो हमने यहाँ लिख दिया क्यू ज़ीरो। अब हमें एक न्यू स्टेट मिली है क्यू ज़ीरो क्यू वन, तो हमने क्यू ज़ीरो क्यू वन ले ली। अब हम देखेंगे क्यू ज़ीरो को देने पे कहाँ जा रहे थे, तो क्यू ज़ीरो को देने पे कहाँ जा रहे थे हम, क्यू ज़ीरो क्यू वन, तो हमने क्यू ज़ीरो क्यू वन लिख दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे क्यू वन से कहाँ जा रहे थे। तो हमने देखा क्यू वन से ज़ीरो देने पे कहीं भी नहीं, फाइव है हमारे पास, तो हम क्या लिखेंगे, कुछ भी नहीं। ठीक है, फिर हम फिर से देखेंगे क्यू ज़ीरो से वन देने पे कहाँ जा रहे हैं, तो क्यू ज़ीरो से वन देने पे हम कहाँ जा रहे थे, क्यू ज़ीरो पे। और फिर क्यू वन से वन देने पे कहाँ जा रहे थे, क्यू टू पे, तो हमने यहाँ पे बगल में क्यू टू लिख दिया। अब हम फिर से देखेंगे जो न्यू स्टेट मिली है क्यू ज़ीरो क्यू टू, तो क्यू ज़ीरो से कहाँ जा रहे हैं, क्यू ज़ीरो क्यू वन पे। देखो क्यू ज़ीरो से कहाँ जा रहे हैं, क्यू ज़ीरो क्यू वन पे, और क्यू टू से कहीं नहीं, तो हमने Q0 की वैल्यू लिख दी। Q2 से तो हम कहीं जा ही नहीं रहे हैं। अब हम फिर से देखेंगे Q2 Q0 Q2 से वन देने पे कहाँ जा रहे हैं, तो Q0 से तो जा रहे हैं Q0 पे, और यहाँ पे कहीं नहीं जा रहे, तो हमने यहाँ लिख दिया Q0 ओनली। अब हम इसके क्या करेंगे, ट्रांजिशन ग्राफ बनाएंगे कि हम कैसे इसका ट्रांजिशन करते हैं। तो हमने इनिशियल स्टेट ली Q0, Q0 से स्टार्ट करी, तो कहाँ जा रहे हैं, Q0 Q1, तो हमने एक स्टेट बना दी Q0 Q1 और जीरो इनपुट दे दिया। फिर हमने ये देखा कि Q0 से वन देने पे कहाँ जा रहे हैं, Q0 पे ही, तो हमने यहाँ पे वन दे दिया। अब हम देखेंगे Q0 से कि Q0 से ज़ीरो देने पे कहाँ जा रहे हैं, Q0 Q1, तो हमने यहीं पे ये लूप लगा दिया। फिर हमने Q0 Q1 से वन देने पे कहाँ जा रहे हैं, Q0 Q2, तो हमने यहाँ दे दिया। अब Q2 क्या दिया, हमारी फाइनल स्टेट, तो हमने इस पर दो सर्कल लगा दिए। अब Q0 और Q2 को जीरो देने पे कहाँ जा रहे हैं, Q0 Q1, तो हमने ऐसे लगा दिया, ट्रांजिशन कर दिया। अब इसका देखेंगे Q0 Q2 से वन देने पे कहाँ जा रहे हैं, Q1 पे, तो ये हमने यहाँ पे। अब हमारी सारी स्टेट कवर हो गई हैं और पूरा फुल ट्रांजिशन डायग्राम बन गया है। और हर स्टेट पे हमारे दो इनपुट है, देखो
तो यही होता है NFA टू DFA कन्वर्जन। आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर देना, तो मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। थैंक यू।